नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउंस, एंड दैट इज संकेतात्मक अनिश्चयात्मक और विभागवाचक संकेतात्मक संकेत देने वाले संकेत अनिश्चयवाचक निश्चितता नहीं है और विभागवाचक अंग्रेजी में से क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव नाउंस प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल ये क्या है इसमें प्रोनाउन कौन सा है पहले तो ये जानो नाउन तो अंकल हो गया और कोई सा नाउन है इसमें प्रेजेंट भी नाउन है गिफ्ट कलेक्टिव नाउन तो दो नाउन हैं। अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है सर्वनाम कौन सा है दिस यस दिस इज द प्रोनाउन दिस किसके लिए है जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन के बदले आता है तो दो नाउन है प्रेजेंट और अंकल दिस so, जो है, तो है वो प्रेजेंट के लिए कि अंकल के लिए है ये जो गिफ्ट है वो अंकल ने दिया है ये जो गिफ्ट है इस गिफ्ट को तो गिफ्ट की ओर इशारा है तो ये प्रोनाउन जो है वो कहाँ इशारा कर रहा है कहाँ संकेत कर रहा है गिफ्ट की ओर प्रेजेंट की ओर तो प्रेजेंट की ओर यदि संकेत कर रहा है तो वो संकेतात्मक प्रोनाउन हो गया दिस That, दैट दोज इट ये संकेतात्मक प्रोनाउन होगा दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस दीज आर मेयरली excuses. एक्सक्यूज excuse मतलब एक्सक्यूज excuse मतलब बहाने ये केवल बहाने हैं इसमें नाउन कौन सा है एक्सक्यूज उस एक्सक्यूज का कोई सा प्रोनाउन है Yes, these. ये जो तुम बोल रहे हो ना ये सब बहाने हैं तो बहाने का के बदले आपने दीज यूज किया दीज आर मियरली एक्सुएट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये बता रहा है तो दीज दोस्त दिस दैट ये सब क्या हुए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतात्मक प्रोनाउन बोथ द कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट बोध द कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट ऐसा बोलेंगे दोनों गाड़ियां अच्छी हैं बट दिस इज बेटर देन दैट या बोध द कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट मेरे उंगली के इशारे को आप देखें मैं फिर से दोहराता हूं कौन सा सही है बताइए बोध द कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट और दूसरा है बोध द कार्थ आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट दिस किसके लिए है पास में जो है उसके लिए दैट किसके लिए उपयोग होता है दूर के लिए दिस एक वचन पास में दैट एक वचन दूर के लिए दिस बहुवचन दिस पास में बहुत सारी कारें यदि पास में हो तो दीज कार्स आर गुड और दूर के लिए दैट के बदले बहुवचन those कार्स आर बेटर देन these कार्स आप समझ गए तो दिस और दीज दीज एंड those एंड दैट एंड those ये आप समझ जाइए मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बैंगलोर सामान्यतः हम क्या बोलेंगे मुंबई मैंगोज आर बेटर देन मैंगोज ऑफ बैंगलोर या मुंबई बैंग मुंबई मैंगोज आर बेटर देन मैंगलोर बैंगोज बैंगलोर मैंगोज मुंबई मैंगोज आर बेटर देन बैंगलोर मैंगोज ऐसा ना बोल करके जिसमें मैंगो बार बार आया तो देखिए मेरा उच्चारण गड़बड़ा गया मैंने मैंगलोर बैंगोस बोल दिया ये क्यों हुआ क्योंकि मैंगलोर बैंगलोर मैंगो बैंगो ये बार बार आ रहा है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जीभ के मिस्टेक को बचाने के लिए हम दिस या दोस का उपयोग कर लेते हैं और किसी नाउन को दो बार नहीं बोलते तो क्या हो गया मुंबई मैंगोज़ आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर तो दोज यहां किसके लिए है मैंगो के लिए दोज ऑफ बेंगलोर मैंगोज़ ऑफ बेंगलोर तो दोज के किसके लिए तो so ये क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव है ये बता रहा है ये बता रहा है राइट द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज ए सच ऐज अ सच क्या है सच मतलब वैसा ही सच मतलब हिंदी का सच नहीं सच झूठ का सच नहीं सच मतलब वैसे ही आई लाइक इट सच मैं उसे वैसा ही पसंद करता हूँ जैसा चर्चा हो रही है ना मैं उसे वैसे ही पसंद करता हूँ आई लाइक इट सच मेरी मोटरसाइकिल बहुत आवाज़ करती है आई लाइक इट सच मुझे वैसी आवाज़ बड़ी पसंद है राइट आई लाइक इट सच अब यहाँ पर द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच स्ट्रेंजर मतलब अनजाना व्यक्ति अनजाना व्यक्ति को मैं वैसे ही स्वीकार वैसे ही वेलकम करता हूँ अनजाने व्यक्ति को मैं वैसा ही वेलकम करता हूँ कैसा अनजाने व्यक्ति जैसा तो सच जो है वो किसको बता रहा है स्ट्रेंजर को कहाँ इशारा कर रहा है स्ट्रेंजर की ओर तो इशारा कहाँ कर रहा है संकेत कहाँ दे रहा है स्ट्रेंजर की ओर अनजाने व्यक्ति की ओर तो इसलिए ये क्या हुआ संकेतात्मक इटैलिक्स में जो लिखे हुए शब्द हैं ये व्यक्त सर्वनाम उन वस्तुओं को बताते हैं जिस विषय में सूचना देते हैं इसलिए इन्हें सूचना देने वाला सर्वनाम कहते हैं संकेत देने वाला सर्वनाम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब स्पष्ट करना जो इशारा स्पष्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब स्पष्ट करना तो इसलिए यह संकेतात्मक हो गया। अब संकेतात्मक के बाद अब हम थोड़ा आगे और बढ़ें जब दिस और दैट संज्ञा से पहले आते हैं तो उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं दिस बुक दिस बुक दिस बुक मतलब ये वाली किताब वो वाली नहीं तो विशेषण किसकी बता रहा है संज्ञा की तो ये एडजेक्टिव हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतात्मक विशेषण इशारा कर रहा है कि ये वाली बुक दैट पेन इज योर्स दैट पेन वो वाला पेन वो वाला पेन आपका है वॉट वॉज दैट नॉइज ट वैट नॉइज वो आवाज क्या आ रही है नॉइज मतलब शोरगुल एंड वट विस नॉइस ये भी आवाज़ क्या आ रही है तो इशारा पास ओर हो गया तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया तो ऐसे में हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग करते हैं जब दिस दैट आदि संज्ञा से पहले आता हो तो संज्ञा से पहले आता हो तो राइट right? अब यहाँ देखिए दिस का उपयोग पास की वस्तु शरीर के निकट या पास के विचार कहने वाले के विचार और दैट का उपयोग दूर की वस्तु के लिए बहुत दूर की वस्तु के लिए मैं फिर से दोहरा दूँ दिस का उपयोग पास की वस्तु या कहने वाले के विचार या उसके शरीर के पास जो है उसके लिए और दैट का उपयोग दूर के लिए I told you the example. This is better than that. This is better than that. ये जो है वो उससे बेहतर है ये जो है वो उससे बेहतर है सो दिस इज फॉर नियर पास के लिए तो पास के लिए है तो वो प्रोनाउन संकेतात्मक पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट अब हम आगे बढ़ते हैं यही दिस दैट के लिए दैट और उसका जो बहुवचन है दोष इसका प्रयोग पहले आई हुई संज्ञा के रिपीटेशन को बचाने के लिए भी होता है दैट या दोष दैट का this का नहीं दैट या दोष का प्रयोग पहले जो संज्ञा आई है उसको उसको दोहराने से बचने के लिए उदाहरण के लिए द क्लाइमेट ऑफ बंगाल इज लाइक दैट ऑफ रायपुर यदि हम बोलना चाहें द क्लाइमेट ऑफ बंगाल इज लाइक क्लाइमेट ऑफ रायपुर दो बार क्लाइमेट क्लाइमेट क्यों बोले उससे जीव को भी तकलीफ होती है सुनने वाले को भी कुछ कर्ण प्रिय नहीं लगता और जीप की तकलीफ में मैंने आपको बताया मैंगलोर और बैंगलोर और मैंगो का खेल तो उससे बचने के लिए क्या होता है दैट या दोज का उपयोग कर देते हैं सर्वनाम से को दोहराने से बचने के लिए द क्लाइमेट ऑफ रायपुर द शूज ऑफ राम आर बेटर देन दैट ऑफ श्याम दिस ऑफ श्याम नहीं होगा दैट ऑफ श्याम होगा यह याद रखें दैट या दोज बहुवचन में ही उपयोग होता है एक वचन में नहीं द शूज ऑफ राम आर बेटर देन दैट ऑफ श्याम दिस ऑफ श्यामिंग स्ट्रीट ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दैट ऑफ बिलासपुर स्ट्रीट ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दैट ऑफ बिलासपुर देखिए स्ट्रीट्स बहुवचन है और चूंकि स्ट्रीट्स बहुवचन है दैट का बहुवचन क्या बनेगा दोष ट्रीट्स ऑफ बिलासपुर बोलने के बदले दैन दो ऑफ बिलासपुर देन स्ट्रीट ऑफ बिलासपुर बोलने के बदले दैन दो ऑफ बिलासपुर तो दैट के बदले दोज और दैट दोज किसके लिए आया है किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए राइट right? नेक्स्ट जब पहले कोई दो वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए तो दिस का उपयोग जो है अंत में कही गई वस्तु और दैट का उपयोग पहले कही गई वस्तु के लिए होता है अब देखिए दिस इज अनदर वे जब दो संज्ञाएं हों और बाद में उन संज्ञाओं के बदले आपको सर्वनाम का उपयोग करना हो उन्हीं संज्ञाओं के लिए सर्वनाम का उपयोग करना हो तो जो संज्ञा पहले आई है जो संज्ञा पहले आई है तो उसके लिए हम दैट का उपयोग करेंगे और जो संज्ञा बाद में आई है उसके लिए हम दिस का उपयोग करेंगे अंत में जो संज्ञा आई है उसके लिए दिस और पूर्व में जो संज्ञा आई है, उसके लिए दैट जैसे अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर हार्मफुल अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर हार्मफुल, दोनों ही शरीर के लिए बुरे हैं क्या अल्कोहल और टोबैको दिस पर लेस देन दैट अब दिस किसके लिए है दिस जो है टोबैको के लिए क्योंकि टोबैको संज्ञाओं में बाद में आया है तो जो बाद में आया है उसको बताने के लिए जो पहले सर्वनाम लिया वो दिस हो जाता है और जो पहले आया वो बाद में सर्वनाम उससे जुड़ा है और दोनों की दूरी देखिए तो वो दैट हो गया क्योंकि दूरी ज्यादा है पहले सर्वनाम पहले संज्ञा पहली संज्ञा का सर्वनाम बाद में आ रहा है तो दूरी ज़्यादा है तो वो दैट हो जाएगा और दूसरा जो दूसरी जो संज्ञा है दूसरी संज्ञा से उसका जुड़ा हुआ सर्वनाम निकट है तो वो दिस हो जाएगा मैं फिर से दोहरा दूं अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर हार्मफुल दिस पर लेस देन दैट दैट इज स्टैंड फॉर एल्कोहल दिस स्टैंड फॉर टोबैको राइट मैं फिर से तो दोहरा दूं पहले आई हुई दो वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए तो दिस का प्रयोग अंत में कही गई वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग पहले कही गई वस्तु के लिए होता है राइट right? अब इस श्रृंखला में जो हम सीख रहे हैं संकेतात्मक और उसके बाद दूसरा तो अब हम अनिश्चयात्मक देखें वॉट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित है निश्चितता नहीं है सर्टेंटी नहीं है अब कैसे इसका ना अधिकतम दो ही शब्द या दो तीन शब्द हैं जो आपको अनिश्चयात्मक की श्रेणी में प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं एक तो है वन ओ ई वन दूसरा है नन एन ओ ई नन तीसरा है ऑल uh, चौथा है सम मैंगोज आर गुड सम आर बॉर्न ग्रेट अनिश्चित है यह सर्वनाम किसके लिए नहीं मालूम है सर्वनाम सम आर बॉर्न ग्रेट यहां सम जो है अनिश्चित है वन हार्डली नोज वॉट टू डू वन हार्डली नोज व्हाट टू डू यहां किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है वन मतलब क्या हुआ किसी को वन मतलब एक नहीं याद रखेंगे वन हार्डली नोज व्हाट टू डू यहां किसी को पता ही नहीं क्या करना है तो हम क्या बोलेंगे वन हार्डली नोज नो बडी नोज वॉट टू डू यदि हम ऐसा भी कर रहे हैं तो भी हो जाएगा नन नोज वॉट टू डू नन ऑफ हिस्स पोएम्स आर गुड नन ऑफ हिस्स पोएम्स आर वेल नोन कौन सी नन अनिश्चित है तो नन वन सम मैन आर ग्रेट समेट सम आर बॉर्न ग्रेट कोई महान पैदा होते हैं सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम कुछ लोगों में महानता ला दी जाती है So, यहां पर यदि हम बात करें सम सम अनिश्चित है कौन नहीं मालूम सम जो है वो किस संज्ञा के लिए है नहीं मालूम कोई संज्ञा ही नहीं आई ऐसे ही नन के लिए भी कोई संज्ञा नहीं है ऐसे ही वन के लिए भी कोई संज्ञा नहीं वन हार्डली नोज वॉट टू डू अरे यार हम लोग ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं क्या करना है जब ऐसा बोलता है ना तो मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है वन हार्डली नोज So, ये हो गया अनिश्चयात्मक इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें कोई कुछ निश्चय नहीं है संज्ञा कौन सी है जिसके बदले सर्वनाम का उपयोग हो रहा है ये नहीं पता कौन सी संज्ञा है राइट right? ऐसे ही सम सम से ही शार्पर कुछ लोग कहते हैं कि वो शार्प है दूस, कुछ उससे ज्यादा शार्प है कुछ लोग कहते हैं वो उससे ज्यादा कौन कहता है कोई निश्चित नहीं है सम पीपल से, सम जो है वो प्रोनाउन है ना संज्ञा तो नहीं है किसी नाउन के बदले आया है पर किस नाउन के बदले आया है नहीं मालूम तो अनिश्चित है इसलिए वो क्या हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउन डू गुड टू अदर्स डू गुड टू अदर्स दूसरों के लिए अच्छा करो दूसरे मतलब कौन एक्स वाई जेड कौन महिला पुरुष एक वचन बहुवचन कौन कुछ नहीं मालूम अनिश्चित तो अदर्श जो है वो यहां पे क्या हो गया प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन इनडेफिनेट कुछ निश्चित नहीं सिमिलरली हिज वर्ड्स आर इन एवरी वंस माउथ हिज वर्ड्स आर इन एवरी वंस माउथ हर एक की जुबान पर उसके शब्द हैं अरे भाई कौन है वो हर एक पूरी दुनिया के लोग कि आपकी कॉलोनी के लोग कि आपके स्कूल के लोग कि छोटे बच्चे कि वृद्ध लोग कि लड़कियां कि महिलाएं कुछ नहीं मालूम अनिश्चित है वो अनिश्चित के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया एवरी वन सो एवरी वन वन अदर्स एनीबडी सम ऑल ऐसे जो वेग हैं वेग वर्ड्स वेग प्रोनाउन वेग मतलब जो स्पष्ट नहीं करते किस संज्ञा के लिए इनका उपयोग हुआ है तो ऐसे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन तो इटैलिक्स में जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ इन सब वाक्यों में ये सब क्या बताते हैं ये किसी वस्तु या सर्वनाम को सूचित करते हैं किसी वस्तु या व्यक्तियों को सूचित करते हैं और हैं सर्वनाम किंतु किसी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते ख्याल रहिए मैं फिर से दोहरा दूं। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए बिना जब सर्वनाम का उपयोग होता है तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं या इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं इनमें से अधिकांश का प्रयोग हम विशेषण की तरह भी कर सकते हैं जैसे आई विल टेक यू देयर वन डे किसी दिन ले जाऊंगा वन डे किस दिन अनिश्चित है पर किस पर किसकी विशेषता बता रहा है डे की किसी एक दिन ऐसे ही इज द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स अनिश्चित है लेकिन वर्ड्स को बता रहा है वर्ड विशेष वर्ड संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है तो इसलिए ये एडजेक्टिव भी होगा एनी बडी एवरीबडी एवरी वन एनी वन ईच इसको हम जब प्रयोग करते हैं तो एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के रूप में ही और शी के बदले हम इनका प्रयोग करते हैं आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन इन हिज स्टडीज़ एवरी वन हर एक की मदद करने के लिए इन स्टडीज उसके पढ़ाई में हर एक की देखिए यहाँ अधिक फॉर्मल अंग्रेजी में हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो सामान्य रूप से बहुवचन जो है वो इस तरीके से चल रहा है। शल बी ग्लैड टू एवरी वन मैं हर एक की मदद करने को तैयार हूं खुश होऊंगा किसमें हर एक के इन हिज स्टडीज इन हर स्टडीज एक वचन हो गया एवरीबॉडी एक वचन एवरी वन एक वचन एवरी वन का हिज या हर हुआ एनी बडी कैन डू इट एनी बडी कोई भी कर सकता है अब देखिए एनी बडी कोई भी कर सकता है यदि वे चाहे तो यदि वह चाहे तो नहीं बोलते हिंदी में क्या बोलते कोई भी कर सकता है यदि वे चाहे तो यहां जितने लोग खड़े हैं उनको मैं संबोधित कर रहा हूं कोई भी कर सकता है ये काम यदि आप लोग चाहें तो, तो आप लोग हो गया बहुवचन हो गया तो अंग्रेजी में भी ऐसे ही एनी बडी कैन डू इट इफ They want, if they try. Anybody कहने को तो एक वचन लगता है लेकिन पूरे समुदाय को बता रहा है तो बहुवचन के रूप में आएगा तो दे आ जाएगा एनी बडी कैन डू इट इफ दे वॉन्ट बेस्ट ऑफ देम हैड देयर शेयर ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर ईच ऑफ देम हैड हिज शेयर नहीं होगा देम यदि है तो एक समुदाय है देम so के लिए क्या आया देयर देम जो है उसके बदले सर्वनाम क्या आया देयर ईच ऑफ देम देयर शेयर हर एक को उसका हिस्सा मिला अब चलिए इन श्रेणियों में हम लास्ट सर्वनाम पे आते हैं और वो है विभाग वाचक विभाग मतलब बांटना बांटता है जो ऐसा सर्वनाम जो बांटता है और स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी में से कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट जो डिस्ट्रीब्यूट कर गेट ए प्राइज देखिए ईच ऑफ द बॉयज बॉयज बहुवचन है लेकिन ईच का उपयोग हो रहा है तो ईच क्या हुआ प्रोनाउन किसके लिए बॉयज के लिए और हर लड़के के लिए हमने बांट दिया कि हर लड़के को पुरस्कार मिलेगा हर बच्चे को पुरस्कार मिलेगा तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ईच क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच टुक इट इन टर्न ईच टुक इट इन टर्न अपने अपने क्रम आने पर सब ने लिया तो ईच क्या है सुनिश्चित तो कर रहा है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाकायदा सब में बांटा जा रहा है ऐसे में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा ईच एट मैंगोस ईच यहां डिस्ट्रीब्यूट हर एक ने खाया नाउ नेक्स्ट इज आइदर ऑफ यू कैन गो आइदर ऑफ यू कैन गो अब ये क्या उपयोग है क्या मैंने आपको पहले आइदर और और नाइदर नॉर और दाइदर बताया था अब यहां देखिए आइदर ऑफ यू कैन गो का मतलब क्या हुआ दो लोग खड़े हैं और मैं कहता हूं आइदर ऑफ यू कैन गो मैंने बांट दिया या तो तुम भी जा सकते हो या तुम जा सकते हो नाइदर ऑफ यू विल गो ना तुम जाओगे ना तुम जाओगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है राइट तो ईच आइदर नाइदर विभागवाचक सर्वनाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि एक समय में व्यक्तियों या वस्तुओं में से केवल एक ही सूचित करते हैं केवल एक को ही सूचित कर रहे हैं सबको एक साथ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कारण ये हमेशा एक वचन में होते हैं ख्याल रखिए है। और इसीलिए एक वचन में होते हैं तो क्रिया जो है वो एक वचन रहती है यानी क्रिया में यदि वर्तमान काल है तो ऐसा लग जाए ईच ऑफ यू ईट्स ईच ऑफ यू ईट्स ईच ऑफ यू ईट नहीं होगा क्योंकि एक वचन माना जाता है ने, वस्तुओं या केवल एक ही चीज़ को सूचित करते हैं ईच का प्रयोग अनेक वस्तु या वस्तुओं से अलग अलग वस्तुओं के लिए होता है आइदर का अर्थ है दो में से पहला या दूसरा जैसा मैंने बताया नाइदर का अर्थ है दो में से कोई नहीं ये मैं बता चुका हूँ ना इधर का अर्थ है दो में से कोई नहीं आइदर का अर्थ है दो में से कोई एक और या आइदर जो है वो एक तरीके से निषेधात्मक रूप है नाइदर का अर्थ है दो में से कोई नहीं ये आइदर का निषेधात्मक रूप है नाइदर जो है वो आइदर का क्या है निषेध ना तुम ना तुम तो कितने लोगों के बीच में दो लोगों के बीच में या तो तुम या तो तुम आइदर और कितने लोगों के बीच में दो लोगों के बीच में इसलिए हमें आइदर और नाइदर का प्रयोग तब करना चाहिए जब दो वस्तुओं के बीच में बात हो रही हो दो वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा हो और जब दो से ज्यादा तो हम एनी वन एनी नन नन विल गो यदि दो से ज्यादा है कोई ना जाए हमें कहना है तो हम क्या बोलेंगे नन विल गो कोई एक जाए तो हम बोलेंगे एनी वन विल गो और यदि दो हो तो आइदर यू विल गो और यू विल गो दो हैं तो नर यू विल गो नॉर यू विल गो तो आप समझ गए इसमें अंतर क्या है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग हम जब दो वस्तुओं से के बारे में बात करते हैं तब होता है दो से ज्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं एनी नो वन विल गो नो नन नो वन आदि आदि राइट अब ईच जो है ये जो सर्वनाम है इसकी पोजीशन को हमेशा ख्याल रखें तीन तरीके से इसका उपयोग होता है ईच का ईच जो सर्वनाम है इसका उपयोग तीन तरीके से होता है पहला ईच ऑफ द मैन ईच ऑफ द मैन रिसीव एन अवार्ड जितने आदमी थे हर एक ने पुरस्कार प्राप्त किया ईच ऑफ द मैन रिसीव एन अवॉर्ड तो ईच शुरू में हुआ ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट फाइव थाउजेंड हॉर्सेस मैन ईच के बाद बहुवचन आया आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर फाइव रुपीज शुरू में आया और उसके बाद बहुवचन अब दूसरा रूप दीजिए दीज मैन रिसीव्ड दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवॉर्ड दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवॉर्ड और दूसरा उपयोग दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच थाउजेंड रुपी दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच ए थाउजेंड रुपी हर घोड़ा मेरे को एक हजार रुपए का पड़ा हर आदमी को एक रिवॉर्ड मिला और तीसरा रूप क्या है दीज हॉर्सेस कॉस्ट फाइव थाउजेंड ईच आई बॉट मैंगो फॉर थ्री रुपीज़ ईच अब देखिए पहले श्रेणी में ईच शुरू में था दूसरी श्रेणी में ईच कहीं बीच में आया और तीसरी में ईच आखिरी में है इसके क्या तात्पर्य हैं क्या मायने हैं थोड़ा बारीकी से ज़रा देखिए मायने जानना है इनके अंतर जानना है इसमें समता देखना हो तो थोड़ा हम गहराई में जाएं। संख्या के बाद ईच का प्रयोग यानी तीसरा जो एग्जाम्पल दिया वो ज़्यादा चलता है संख्या के बाद थाउजेंड रुपी ईच फाइव टाइम्स ईच संख्या के बाद हम ये नहीं कहते द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड फाइव एन अवार्ड ईच नो द मैन रिसीव फाइव हंड्रेड रुपी ईच हम ऐसा बोलते हैं तो संख्या के बाद ईच का उपयोग ज्यादा कॉमन है अब यहां देखिए दिस पॉइंट इज क्लियर की तीनों फॉर्म में संख्या के बाद ईच लिखना ज्यादा उपयोगी माना ज्यादा प्रचलन में है इट्स मोर इन प्रैक्टिस ना नेक्स्ट इज ना लेटर्स लुक एट द

बहुत अच्छा है यह एट आइदर एंड वे मार्बल स्टैचू यानी दोनों छोर पर मार्बल था एंड माने छोर आइदर एंड हैड ए मार्बल स्टैचू दोनों छोर आइदर का मतलब मैंने कुछ और बताया अभी तक अब यहां देखिए इसका कैसा उपयोग है आइदर एंड वे मार्बल स्टैचू दोनों छोर पर तो दोनों छोर के लिए शब्द क्या है आइदर छोर के लिए एंड दोनों के लिए आई दर मैंने आपको बताया आई दर और दो के लिए उपयोग होता है दो से ज्यादा हो तो नहीं होता तो दो छोर की यदि बात कर रहे हैं तो आईदर एंड हैड मार्बल स्टैच्यू बोल देंगे तो सही हो जाता है ऐसे ईच बॉय टुक हिज टर्न हर लड़के ने अपना टर्न लिया नाइदर चार्जेज आर ट्रू नाइदर चार्जेज आर, आर ट्रू मतलब ना इधर दिसचार्ज नॉट दैट चार्ज ना ये आरोप ना ये आरोप सही था यानी दोनों ही आरोप गलत थे तो दोनों ही आरोप गलत में दोनों के लिए क्या ना इधर नाइदर चार्जेज आर करेक्ट न ये आरोप सही था ना ये आरोप सही था ऐसा ना बोल करके ना इधर दिसचार्ज नॉट दैट चार्ज ऐसा ना बोल करके हम सीधा बोल दें ना इधर चार्जेस वेयर करेक्ट वेयर ट्रू आई दर चार्जेस वेर रॉन्ग दोनों ही चार्ज गलत थे अब यहां देखो आगे और द टू मैन हेट ईच अदर द टू मैन हेट ईच अदर हेट मने नफरत करना दे चीटेड वन एन अदर एक में ईच अदर है एक में वन एन अदर है दोनों में क्या अंतर है ईच अदर क्या होता है जब कर्ता से संबंधित हो वास्तव में ईच और वन कर्ता से संबंधित है अदर और अनदर ऑब्जेक्ट हैं आप देख लीजिए दे द टू मेन हेट ईच अदर एंड दे चीटेड वन एन दे चीटेड वन एन सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि वास्तव में यदि देखें तो ईच और वन ये करता है और अदर और अनदर कर्म है यानी ऑब्जेक्ट हैं लेकिन ईच अदर और वन अनदर में हम क्या कहते हैं कंपाउंड प्रोनाउन हो गए दोनों और इसलिए कंपाउंड प्रोनाउन होते हुए हम कहते हैं देट ईच अदर दे चीटेड वन अनदर दो से ज्यादा तो ईच अदर ए दो से ज्यादा तो वन अदर और दो तो ईच अदर हेटेड ईच अदर दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे थे और वे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे वन अदर वे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे दे हेटेड वन अदर मतलब सब एक दूसरे से नफरत कर रहे थे राइट ईच अदर का उपयोग दो व्यक्तियों के लिए वन अनदर का दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कि किंतु अब इनका रूप सामान्यतः पूरा नहीं किया जाता तो लेकिन आप इतना बस समझ जाएं, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए उपयोग होता है